तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू क्रिटिक्स एनिमे। आज हम करने वाले एपिसोड नंबर 13 का एक्सप्लेनेशन। तो चलो बिना वक्त गवाए स्टार्ट करते आज का एपिसोड। पर ये हमारा सीरीज का आखिरी एपिसोड होने वाला है दोस्तों। इसके बाद जब हमारे 1K हो गए होंगे तो हम नई सीरीज स्टार्ट करेंगे। तो मैं आपको कम्युनिटी टैब में बता दूंगा, तो आप सिलेक्ट करना, तो वो सीरीज हम स्टार्ट करेंगे गाइस। तो चलो स्टार्ट करते आज का एपिसोड। तो यहाँ पर भी वो हादसा हुआ होता है, और यहाँ पर जो नरुटो का दोस्त होता है, मतलब इनोजिन का पप्पा फादर, वो यहाँ पर देखता है और इन्वेस्टिगेशन करता है, और ये सोचता है ये तो डांजो के जो ऑर्गेनाइजेशन थे उनमें के लोग हैं, उनमें से कुछ तो बच गए थे, पर डांजो मरने के बाद शायद ये ऑर्गेनाइजेशन ख़त्म हो गई थी। पर ऐसा क्या हो रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा। फिर ये सोचता है कि आप क्या कहना चाहते हैं। फिर ये कहता है मुझे समझ में आ गया कि वो कौन है और उनका मकसद क्या है। और फिर यहाँ पर अगले सीन में हम देखते हैं कि बुरुटो और मिस्की बात करते हैं, और मिस्की कहता है मैं तुम्हारे आगे पीछे कब से घूम रहा हूँ, जब से मैं आया हूँ मैं तुम पे नज़र रख रहा हूँ बुरुटो, ये मेरा मिशन है। और मुझे आखिर में पता ही चल गया है कि वो बुरी शक्ति किसके कहने पर आ रही है और क्यों आ रही है, वो है सुमेरे क्लास रैप। और फिर यहाँ पर जो शिकामारू होता है वो नारुतो से बात करते रहता है, तभी पीछे से काकाशी से आकर कहते हैं कि मैं यहाँ पे आ गया हूँ। और फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि बुरुटो कहता है मित्सुकी के कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, जो सुमिर है वो बहुत अच्छी है, वो ऐसा नहीं कर सकती, तुम्हें पता है वो कितनी भोली है। तो मित्सुकी कहता है ऐसा कुछ नहीं है, वो उसका प्लान था, उसने तुम्हारे सामने जो भी किया है वो सिर्फ दिखा हुआ था बुरुटो। तो बुरुटो कहता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता। शिकामारू कहता है कि क्या कह रहे हो तुम। तो फिर काकाशी कहता है कि यहाँ पर हमने देखा था कि जब शिनोबी वॉर हुआ था तो कई लोगों ने जान गंवाई थी, और शायद अभी भी वैसा ही होगा, समझे तुम शिकामारू। तो शिकामारू कहता है तो हमें कुछ ना करना होगा, नहीं तो बहुत बुरी हालत होगी। तुम कहाँ गए थे काकाशी सेंसे से? काकाशी कहता है कि मैं डांजो की रिसर्च में लगा हुआ था और कुछ ढूंढ रहा था, पर शायद वो मुझे नहीं मिला। फिर शिकामारू कहता है कि कोई बात नहीं, हमें कुछ ना कुछ करना ही होगा। तभी हम देखते हैं कि इनोजिन का डैड जाता रहता है, उसे पता चल जाता है कि सुमिर क्लास रैप में ही कुछ प्रॉब्लम है। और तभी हम देखते हैं कि आगे से वही बंदा आता है जो पहले आया था, और बाद में हम देखते हैं कि वो यहाँ पे रुक जाता है क्योंकि उसके सामने एक निंजा आ जाता है, और वो कहता है मेरे रास्ते से हट जाओ, और वो अपने हाथों के अंदर से कुछ पावर निकालता है। तभी यहाँ पर इनोजिन का पापा आ जाता है और वो उसे ऊपर से मारता है, और तभी हम देखते हैं कि उसका मास्क खुल जाता है और वो कोई और नहीं बल्कि क्लास रैप होती है। और वो कहता है कि अरे ये क्या हो गया, और उसके क्लास रैप के अंदर से कुछ अजीब सी पावर निकलती है, और हम देखते हैं कि वहाँ पे बहुत बड़ा धमाका होता है, और उसकी पीठ पर जो निशान था उसके अंदर से एक बड़ा सा बीस्ट बाहर निकलता है और बहुत चिल्लाने लगता है। और बाद में हम देखते हैं कि वो बहुत बड़ी आफत बन जाती है, और उसके बाद ये हम यहाँ पर क्लास रैप बहुत गुस्से से देख कर भाग जाती है, और यहाँ पर बुरुटो और मित्सुकी भी ये देखते रहते हैं। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर जो इनोजिन का पापा होता है वो देखता रहता है, तभी पीछे से काकाशी सेंसे पर्पल लाइटनिंग के साथ उसका एक हाथ काट देते हैं, और बाद में इनोजिन का पापा ये यहाँ पर उसको हराने की कोशिश करता रहता है, और सारे जुटे हुए रहते हैं। तो काकाशी कहता है ये क्या हो रहा है, ये कौन सी बला आ गई यहाँ पे, और वो यहाँ पे मड वॉल जुत्सु करता है, और उसके साथी भी वही करते हैं, और उसको पूरी तरह से पैक कर लेते हैं बीच में। और फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे काकाशी सेंसे कहते हैं ये क्या हो रहा है, इसके अंदर से क्या निकल रहा है। और फिर हम देखते हैं कि बाद में काकाशी सेंसे देखते हैं कि उनके पीछे जो भी निंजा थे उनके अंदर का चक्रा पूरी तरह से सोक लिया जा रहा है, और फिर काकाशी सेंसे कहते हैं जल्दी से भागो यहाँ से, इनको लेके जाओ ये चक्रा सोक। बाद में यहाँ पर काकाशी सेंसे कहते हैं कि ये शायद पूरी विलेज का चक्रा सोकने वाला है, और फिर बुरुटो ये देखता है, और बुरुटो मिस्की से कहता है मिस्की जल्दी चलो हमें रोकना होगा। तो मिस्की कहता है नहीं बुरुटो तुम यहीं पर रहोगे, ये मेरा मिशन है, अगर तुम बीच में आए तो तुम जान से जा सकते हो, समझे। तभी जो मिस्की का जो एक क्लोन होता है वो बुरुटो को पकड़ के रखता है, और मिस्की कहता है मैं जा रहा हूँ अभी, मेरे पीछे मत आना, और वो चला जाता है। पर बुरुटो यहाँ पर शैडो क्लोन जुत्सु कैसे वैसे कर ही लेता है, और जो मिस्की का शैडो क्लोन होता है उसको बहुत जोर से पंच मारता है जैसे कि उसका शैडो क्लोन चला जाता है बाद में। और फिर बुरुटो कहता है तुम मुझे कुछ नहीं कर सकते, मैं जा रहा हूँ। और फिर अचानक से ये ऐसा वाला पॉज करके सीन आ जाता है, आप फिर से देखिए।
देखिए यहाँ पर कुछ ऐसा सीन होता है, बोरुडो का आके देखिए खा पर जा रहा है। फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि काकाशी सेंसेई हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि जल्दी से बैरियर बनाओ, और फिर सारे निंजा वहाँ पे बैरियर बना लेते हैं। और बैरियर बनाने के बाद उसका यूज ये होता है कि वो बीस्ट वहाँ से नहीं निकल पाएगा। और फिर काकाशी सेंसेई कहते हैं कि अब चलो इसे लड़ते ज़रा सा, और फिर वो अपनी रोप से उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं और कहते हैं हमें जल्द से जल्दी से रोकना होगा नहीं तो विलेज की तरफ चला जाएगा। और वो जब तक रोकते हैं तब पीछे से आता है नरूटो और फिर कहते हैं नरूटो तुम आ गए, और फिर बाद में नरूटो कहता है मैं इसे रोक सकता हूँ, और वो भी एक ही झटके में। और फिर नरूटो अपने जो आता है वापस से ठीक हो जाता है, क्योंकि काकाशी सेंसेई उससे कहते हैं कि नहीं ऐसा मत करो क्योंकि ये जो बीस्ट है वो चक्रा सोखता है और तुम में तो एक्सेसिव चक्रा है, ऐसा मत करो तुम जाओ और बाकी लोगों की मदद करो। और तभी बोरुटो नरूटो कहता है कि मैं जा रहा हूँ, और फिर यहाँ पर ये इसे रोकने में लगते हैं। और यहाँ पर बहुत दूर ये जो क्लास रैप होती है वो खड़ी होती है और कहती है कि हाँ हमारा प्लान कामयाब हो रहा है। और पीछे से अचानक से मित्सुकी आता है, पर उन दोनों की टक्कर होती है और चिंगारियाँ उठती है। मित्सुकी कहता है तुम्हें आज मार के ही रहूँगा क्लास रैप, और फिर वो दोनों एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं। और मित्सुकी कहता है मेरा प्लान सक्सेसफुल हो रहा है, मेरा मिशन जो मुझे दिया गया था अब मैं उसे कंप्लीट करूँगा, तुम्हारी मौत तो तय है क्लास रैप। फिर क्लास रैप कहती है नहीं तुम मुझे नहीं मार सकते अगर तुम में हिम्मत है तो। और फिर उन दोनों की ज़बरदस्त फाइट होती है, और आखिर में हम देखते हैं कि इतनी फाइट होने के बाद जब मित्सुकी उसके पैर पर लात मारता है तो वो नीचे गिर जाती है और मित्सुकी ऊपर उसके ऊपर आ जाता है और कहता है अब तुम्हारा मरना तय है। और मेरे ये जो क्लास रैप होती है वो कहती है कि तुम मुझे सच में मारोगे, तो मित्सुकी कहता है अब तुम गई। तभी हम देखते कि यहाँ पर बोरुटो कहता है मत मारो एक दूसरे को, तभी क्लास रैप कहती है तुम मित्सुकी आ जाओ, और फिर बोरुटो कहता है ये क्या हो रहा है रुक जाओ, और फिर मित्सुकी कहता है ठीक है मैं भी तुमसे लड़ूंगा क्लास रैप। और फिर बोरुटो कहता है ऐसा मत करो, और फिर जब वो आमने सामने आने लगते तब बोरुटो उनके दोनों के हाथ पकड़ लेता है। और अचानक से हम देखते हैं कि एक आग चेंज हो जाती है और वो अचानक से उसमें से लाइटनिंग निकलने लगती है, और फिर बोरुटो कहता है ये क्या हो रहा है हाँ मुझे समझ में नहीं आ रहा। और तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे जो बीस्ट था वो अचानक से एब्जॉर्ब होने लगता है और वहाँ से गायब हो जाता है, और अचानक से जहाँ पर बोरुटो था वहाँ पर ओपन होने लगता है। नरूटो ये देखकर हैरान होता है, और हम देखते हैं कि बोरुटो के आँखों के पास से वो वहाँ पर ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और हम देखते हैं कि सुमेरे कहती है ये क्या हो रहा है, और फिर बोरुटो डर जाता है, उसको समझ भी नहीं आता क्या हो रहा है। और वहाँ से एक अचानक से पोर्टल खुलता है और उस पोर्टल में से वो बीस्ट चला जाता है, और सुमेरे भी उसके अंदर चल जाती है। फिर बोरुटो कहता है नहीं सुमेरे, और बोरुटो भी उसके अंदर चला जाता है, और आखिर में मित्सुकी भी उसके अंदर चला जाता है, और आखिर में ये बैज नीचे गिरता है।